हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में सीखेंगे हम बेसिक ऑपरेशन डिवीजन। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, डिवीजन से रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, उन टर्म्स के आपस में रिलेशंस क्या हैं, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम सीखेंगे। काफी इम्पोर्टेंट है ये, आप ध्यान से जरा सीखें, ये आगे तक हायर क्लासेस तक आपके काम आने वाला है। कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूँ आज, ये कॉन्सेप्ट केवल डिवीजन से रिलेटेड नहीं है, इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस में भी होता है। तो ये आपको ध्यान से सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, डिवीजन पे फोकस। डिवीजन तो आप जानते ही हैं, बात यहाँ डिवीजन सिखाने की नहीं है, बात है डिवीजन से हम सीखते क्या है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट हमें बताता क्या है, डिवीजन से हम क्या चीज हमें समझ में आती है, वो सारी चीजें हमें इस क्लास में सीखनी है। तो आपको फोकस कॉन्सेप्ट पर रखना है, डिवीजन आप जानते हैं। मैं शुरू करता हूं, देखिए ये नंबर मैंने लिखा हुआ है 11 और ये लिखा हुआ है 2 और ये बीच में जो साइन लगा हुआ है ये डिवीजन का साइन है, ये साइन है डिवीजन का। ये 11 को 2 से डिवाइड करना है, ये बता रहा है कि 11 को हमको डिवाइड करना है 2 से। तो 11 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ये 11 और ये 2। जब आप 11 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ 10 आएगा, यहाँ नीचे सब्ट्रैक्ट करने पर 1 बचेगा और डिवीजन बस यहीं तक हो पाएगा, इसके बाद आगे डिवीजन नहीं हो पाएगा। इतना सब आप जानते हैं, ये सब आपको आता है। तो इसमें एक तो सीखने वाली बात यह है, याद रखने वाली बात कि इन सारे नंबर्स को हम कहते क्या हैं। ये जो 11 डिवाइड किया जा रहा है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं हम डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। आपको याद रखना है। अब मैं इन नंबर्स को इन्हीं नामों से पुकारूंगा, इन्हीं नामों से आगे के क्वेश्चंस में बोलूंगा, तो आपको ये नाम याद रखने हैं जो मैं बोल रहा हूँ। 11 जिसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ये डिविडेंड कहलाएगा, इसको कहेंगे डिविडेंड। और जो 11 को डिवाइड कर रहा है 2, 11 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है? 11 को डिवाइड करने वाला नंबर है 2, तो 2 को हम बोलेंगे डिवाइजर। डिवाइजर मीन्स जो डिवाइड करता है, और डिविडेंड मींस जो डिवाइड होता है। तो होने वाला डिवाइड 11 है और डिवाइड करने वाला जो है वो 2 है, तो 11 डिविडेंड, 2 डिवाइजर। अब कितने टाइम्स डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम डिवाइड हो जाता है, तो ये 5 टाइम्स डिवाइड हुआ, इस 5 को बोलेंगे हम क्वोशेंट। क्वोशेंट क्या बोलेंगे इसको? क्वोशेंट। तो 5 इज द क्वोशेंट, 11 इज द डिविडेंड एंड 2 इज द डिवाइजर। अब ये चूंकि कंप्लीट डिवीजन नहीं है, यहां पर नीचे 1 बच रहा है, तो ये जो 1 है इसको बोलेंगे हम रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर। ध्यान रखें इस 1 में ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर नहीं है। कई बच्चे इसको रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर। दिस इज नॉट रिमाइंडर, This is remainder, इसको remainder बोलेंगे हम। तो आपको ये चारों नाम याद रखने हैं, पहले तो dividend, divisor, quotient, remainder। और आपको ये समझ में आना चाहिए, जब ये division इस तरीके से लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि remainder कौन सा है इसमें, divisor कौन सा है इसमें, quotient कौन सा है इसमें, dividend कौन सा है इसमें। ये चार टर्म डिवीजन से रिलेटेड, आपको ये चार टर्म आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात हमको इसमें यही सीखनी है, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि ये डिवीजन है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इससे हम समझते क्या है। तो देखिए, जब हम 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स और नीचे 1 बच रहा है,
इससे हमको क्या पता चल रहा है, ये है क्या? इससे हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम 11 को 2 से लगातार रिपीटेड सब्ट्रैक्ट करें, रिपीटेड, तो कितने टाइम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? 5 बार सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें लगातार बार बार तो हम 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास 1 बचा रह जाएगा। अब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो सब्ट्रैक्ट करना अब हम छोड़ देंगे। देखिए जैसे कि 11 में से मैंने 2 1 टाइम सब्ट्रैक्ट किया, 9 आया। 9 में से 2 फिर सब्ट्रैक्ट किया, 7 आया। 7 में से मैंने 2 फिर सब्ट्रैक्ट किया, 5 आया। 5 में से मैंने 2 फिर सब्ट्रैक्ट किया, 3 आया। 3 में से मैंने 2 फिर सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया। कितने टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स। तो ये 5 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया, यही है यहाँ पर 5। ये क्वेश्चन जो है वो हमको यही चीज बता रहा है कि अगर हम 2 को 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 टाइम सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ये ठीक है, ये 5 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है और हमारे पास पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, लास्ट में 1 बचा है, तो 1 ये बचा, ये रिमाइंडर है। यही बता रहा है रिमाइंडर हमें कि हम 2 को 11 में से पूरा पूरा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब यहां पर नंबर कम रह जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा 2 से, तो ये छोड़ देंगे, यहां पर रिमाइंडर लिखकर छोड़ देंगे। तो ये रिमाइंडर हमें यही बता रहा है, कोशेंट हमें यही बता रहा है कि हम कितने टाइम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। और 2 डिवाइजर है तो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, 11 डिविडेंड है तो 11 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चारों टर्म हमको यही बात बता रहे हैं। तो ये जो डिवीजन का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है, रिवर्स। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आपने सीखा था कि रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। आप 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 4 करते हैं, तो आप क्या करते हैं, 12 आता है, किस तरीके से आता है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, आप 3 को कितने बार ऐड करते हैं, 4 टाइम्स। तो जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर था, ऐसे ही डिवीजन में रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर है। तो ये जो डिवीजन की प्रोसेस है ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझे, एक बार और रिपीट करता हूं मैं कि डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर। आप बार 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 उसको सब्ट्रैक्ट करें, अगर आप इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो ये लंबी प्रोसेस है। इस लंबी प्रोसेस को शॉर्ट करके हम डिवीजन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस से अगर हम करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजीली और छोटे रूप में आ जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से करते हैं तो ये प्रोसेस बहुत लंबी हो सकती है। तो इस लंबी प्रोसेस को शॉर्ट करने का तरीका है डिवीजन। तो डिवीजन जो बेसिकली हमको समझा रहा है वो ये बता रहा है कि हम लगातार किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा। तो अब आपको डिवीजन आते ही समझ में आनी चाहिए कुछ चीजें। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा और आपको तुरंत कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। जैसे को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 5 टाइम्स डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। इससे आपको क्या बात समझ में आ रही है?
समझ में आनी चाहिए आपको तुरंत। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको ये बात तुरंत समझ में आनी चाहिए कि 15 में से 3 को बार 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 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 कितने बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद लास्ट में कोई भी नंबर बचेगा नहीं, इट मींस 15 पूरा पूरा 3 को पूरी तरह 15 में से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और रिमाइंडर, इसमें कुछ बचेगा नहीं तो रिमाइंडर हम जीरो लिखेंगे। रिमाइंडर क्या है इसमें? जीरो। तो आपको ये आंसर्स देखकर, आपको ये देखकर तुरंत समझ में आनी चाहिए ये बातें कि इसमें हो क्या रहा है। अगर आप ये बात समझते हैं तो इसका मतलब आप डिवीजन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, 17 को डिवाइड करना है 4 से, कितने टाइम डिवाइड होगा आप जानते हैं, 4 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते, ये कोशेंट 4 और ये रिमाइंडर 1। इसको और इजीली अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते, ये हमने लिखा। तो इससे आपको क्या समझ में आ रही है बात? आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 17 में से जब हम 4 को 4 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 1 बचेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये तो आप कॉन्सेप्ट से सीख गए। इनके आपस में रिलेशंस क्या होते हैं देखिए, अगर आप इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करते हैं, मींस ये नंबर जो है हमारे पास इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, और ये जो नंबर है इसको बोलते हैं हम कोशेंट। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, मींस डिवाइजर का मल्टीप्लाई अब किसके साथ कर रहे हैं? कोशेंट के साथ। और आप डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोशेंट के साथ कर रहे हैं, डिवाइजर का मल्टीप्लाई, ये है डिवाइजर और ये है कोशेंट, डिवाइजर का मल्टीप्लाई कोशेंट के साथ कर रहे हैं और रिमाइंडर को उसमें प्लस कर रहे हैं, तो आपके पास ये वाला नंबर आ जाता है। ये वाला नंबर से मतलब इस नंबर को क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए चेक करते हैं, हमने क्या लिखा था, 17 4 से डिवाइड कर रहे थे, 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा था, 16 आ रहा था, 1 आ रहा था। अब आप देखिए इस पर आपस के रिलेशन से, इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए डिवाइजर का मल्टीप्लाई इट मींस 4 का मल्टीप्लाई कोशेंट के साथ करें, 4 कोशेंट 4 है 4 प्लस रिमाइंडर को हम ऐड करते हैं प्लस 1, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? डिविडेंड आना चाहिए। देखिए आ रहा है नहीं आ रहा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 प्लस 1 17 क्या है? 17। और 17 क्या था? डिविडेंड था। तो इस फॉर्मूले से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको आगे तक हेल्प करेगा, आपको याद रखना है ये रिलेशन, आपको याद रखना है। तो आप इस तरीके से डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, कोशेंट, इनके बीच में रिलेशन क्या है ये भी आप सीख रहे। तो आपने इस क्लास में कौन कौन सी बातें सीखी? नंबर 1, डिवीजन से रिलेटेड हमारे पास टर्म कौन से हैं? 4। एक डिविडेंड,
एक डिवाइजर, एक कोशेंट और एक रिमेंडर, ये चार टर्म आपको समझने हैं। दूसरी बात आपने सीखी कि डिवीजन है क्या, बेसिकली डिवीजन होता क्या है। तो हमने बताया कि डिवीजन जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। अगर आप एक ही नंबर को किसी नंबर में से बार 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 सब्ट्रैक्ट करते चले जाए, उस प्रोसेस का नाम है डिवीजन, वो मैंने करके दिखाया। दूसरी चीज आपने इसमें सीखी कि ये जो चार आपके टर्म है इनके आपस के रिलेशंस क्या होते हैं, इनके आपस में रिलेशंस क्या होते हैं, तो ये उसके लिए ये फॉर्मूला बताया मैंने। फॉर्मूला कैसे आता है आपने देखा, आपको डिवीजन ये सब टर्म्स आते ही आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यही इस क्लास का मोटो था मेरा सिखाने का। डिवाइड आप करना जानते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए।